ओम शांति। बीके चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेठा, जिसको कद्दू भी कहते हैं, इंग्लिश में पपकिन कहते हैं। तो आज हम ये सब्जी लेके आए हैं पेठे की। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने ये 1 किलो पेठा लिया है, ग्रीन वाला। उसके लिए हमने यहाँ पे टमाटर लिया है, तड़के के लिए हमने मेथी दाना, हींग, हरी मिर्च, अदरक, डेगी मिर्च, नमक, कसूरी मेथी, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और रिफाइंड। हमने यहाँ गुड़ भी लिया है और काला नमक। ये पेठा कद्दू हम खट्टा मीठा पेठा बनाएंगे। तो चलिए हम तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे। हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च कटा हुआ, अदरक, हल्दी। अब हम इसमें ये पेठा डाल देंगे। पेठे को हम ऐसे पकाएंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसको चला के। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। तब तक हम टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहां पर भी हम थोड़ा सा मेथी दाना, आधी चम्मच डेगी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, और जो हमने टमाटर लिया था वो टमाटर हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा ही चम्मच चाट मसाला, और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला, जो हमने कसूरी मेथी लिया था वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा क्रश करके। और जो हमने यहाँ पे गुड़ लिया था वो गुड़ इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये 50 ग्राम गुड़ है, तो इसके अंदर हम ये गुड़ डाल देते हैं और इसको भी हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये हमारा मसाला अब बिल्कुल तैयार है। मसाले ने घी छोड़ दिया है, घी छोड़ना माना मसाला एकदम तैयार। तो अब हम इसकी गैस बंद कर देते हैं। जब तक हमारा पेठा नहीं पकता है तब तक हम इसको बंद कर देते हैं और इसको ढककर छोड़ देंगे। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको भी चला लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। बस इसको 10 मिनट हम और पका देते हैं ताकि पेठा अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक देते हैं। ये 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पेठा भी गल चुका है। अब हम इसको मिला लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं, मैश कर देते हैं चमचे से। आप चाहे तो इसको ऐसे ही साबुत माना पीस के पीस भी रखना चाहे तो रख सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेठा बिल्कुल तैयार गल चुका है। जो हमने अब ग्रेवी बनाई थी वो इस ग्रेवी इसके अंदर हम डाल देंगे। ये ग्रेवी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारा खट्टा मीठा पेठा कद्दू का हो पपकिन का हो तैयार है। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते तो आप इसको बिना मीठे का भी बना सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए हमारा पेठा बिल्कुल एकदम तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। गैस इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा पेठा एकदम तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप इसको गरम गरम पूरी के साथ पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पेठे की सब्जी पूरी के साथ तैयार है। ये हमारा पेठा कद्दू की सब्जी तैयार है। इसको आप पूरी के साथ पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये खट्टा मीठा हमने बनाया है, इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। आप इसको जरूर ट्राई करें और इसको जरूर बनाकर खिलाएं। ओम शांति।